राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों इस पोस्ट में बात करेंगे माघ का महीना 26 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है। इसकी समाप्ति 24 फरवरी 2024 को माघ माह की पूर्णिमा पर होगी। माघ महीने में संगम तट पर कल्प पास किया जाता है। मान्यता है इससे आत्मा पवित्र हो जाती है, शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। ये हिंदी पंचांग का 11वां महीना है। माघ महीने में किया गया दान कई जन्मों के पाप से मुक्ति करा देता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने जीवन काल में वह समस्त भौतिक सुख भोगता है जो दान करता है, लेकिन माघ मास में कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, नहीं तो सेहत के साथ संपन्नता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। माघ के महीने का संबंध भगवान कृष्ण से होता है। माघ का महीना पहले माघ का महीना था जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध श्री कृष्ण भगवान के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारी धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास होता है जिससे शरीर और आत्मा नवीन हो जाती है। इस बार माघ का महीना 26 जनवरी से शुरू हो चुका है। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। आइए जानते हैं माघ मास में कौन से काम नहीं करने चाहिए और साथ ही जानते हैं माघ माह में दान के क्या नियम हैं। माघ महीने में ये काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। माघ महीने में प्रकृति अनुकूल होने लगती है, ऐसे में इस माह में देर तक न सोएं, जल्दी उठकर स्नान करें और माघ महीने में तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। ये महीने भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी को समर्पित है, ऐसे में शास्त्रों के अनुसार इस मास में मांस ग्रहण करने से घर में दरिद्रता आने लगती है और माघ में दिया गया दान का फल कई जन्मों तक मिलता है, लेकिन दान में कभी बासी खराब कटी फटी चीज़ें ना दें। इसके साथ ही स्वार्थ की भावना से दान ना दें, इसका पुण्य नहीं मिलता है। और ये ज़रूरी है कि आप दान कभी भी किसी दबाव में आकर ना दें। तो माघ माह में ऐसे काम बिल्कुल ना करें। और अब जानते हैं माघ माह में स्नान की विधि क्या है और क्या इसका महत्व है। माघ महीने में स्नान का बड़ा महत्व है। ये भी स्नान अगर गंगा या फिर प्रयागराज के संगम में हो तो और भी उत्तम होता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में माघ महीने में स्नान करने की विधि अलग है और इसमें दान करने से कई लाभ होते हैं। आइए जानते हैं माघ माह में स्नान की क्या विधि और क्या दान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पाप मिटते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। कहा गया है कि माघ माह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और संगम स्नान मात्र से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। और अब जानते हैं माघ माह में स्नान कैसे करना चाहिए। माघ मास में स्नान करने से पाप मिटते हैं। यदि आप माघ माह में घर पर स्नान कर रहे हैं तो आप पूरे माह पानी में तिल डालकर स्नान करें, इससे सेहत अच्छी रहेगी और पुण्य लाभ होगा। स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो इस नियम का पालन करने से बचना चाहिए। और अब जानते हैं माह के महीने में क्या दान करना चाहिए। माघ माह में आपको स्नान के बाद जल से भरा हुआ कलश किसी गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और दूसरा है माघ मास में किसी ब्राह्मण को काली गाय और तिल से भरा हुआ कोई बर्तन दान करना चाहिए, इससे पुण्य प्राप्त होगा। और पूरे माघ महीने में आप जितना तिल का दान करेंगे उतने वर्षों तक स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। और आप जान लेते हैं कि माघ महीने में हमें कौन से 3 काम करने चाहिए। तो माघ माह में ये 3 व्रत जरूर करें। माघ माह में आपको शकर चौथ और एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। शकर चौथ से आपके जीवन के संकट दूर होंगे,
शुभता एवं सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको सतिला एकादशी और जया एकादशी का व्रत रखना चाहिए। विष्णु कृपा से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। शकर चौथ 29 जनवरी और सतिला एकादशी 6 फरवरी को है, तो माघ मास में ये 3 व्रत आप जरूर करें। और अब जान लेते हैं माघ माह में दान के नियम क्या हैं। दान के लिए माघ के महीने को काफ़ी शुभ माना जाता है। हालांकि इस महीने में दान करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ज़रूरी है कि आप दान कभी भी किसी दबाव में आकर ना दें, और दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे उसकी असल में ज़रूरत हो। और इसके साथ में ही दान में दी जाने वाली सभी चीज़ें उत्तम कोटि की होनी चाहिए, और दान में कभी भी मांस मदिरा या नुकीली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है, और दान देते समय किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। इन नियमों के साथ यदि आप दान करते हैं माघ मास में तो आपको इसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। तो ये थी माघ मास की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी काम आएगी। अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण राधे राधे।